इवनिंग, कैसे हैं आप सभी? होप है आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो अभी ऑफिस की होगी हमारी छुट्टी और हम जा रहे हैं घूमने, और नेगी जी हैं हमारे साथ। नेगी जी कैसे हैं फिर? फिट एंड फाइन। कहाँ ले जा रहे हैं आज घूमने के लिए? जा रहे हैं बाजार मॉल रोड। मॉल रोड, तो क्या कुछ पार्टी है आपकी तरफ से? पिज्जा। पिज्जा ला पेंजो पिज्जा। ला पेंजो पिज्जा, तो कहाँ मिलेगा ये? ये मिलेगा मॉल रोड पे। ओके, तो अभी हम पहुंचने वाले हैं रेलवे स्टेशन, और यही हमारा रास्ता। वैसे आपने बोला कि डेली डेली आते रहते हैं रेलवे स्टेशन से, तो ये है जी रेलवे स्टेशन सोलन, देख सकते हैं आप। और चलते हैं, फिलहाल हम भी बाजार में पहुंचते हैं जल्दी से जल्दी। अभी हमने टनल क्रॉस की है, और नेगी जी ठंड कैसी है? अरे भाई साहब, ठंड तो इतनी हवा चली ना यार, अभी मतलब नाक जमा दिया इसने पूरा। ओहो भाई साहब, इतनी ठंड है निकी जी यहाँ पे, तो कैसे रहते यार आप लोग हैं? हम टनल में नहीं रहते। हाँ ये भी सही बोला, हम टनल में नहीं रहते हैं। तो यार ये तो आज का कंटेंट बन गया, हम टनल में नहीं रहते हैं। क्यों निकी जी? हमारा अपना रूम है। हमारा अपना रूम है। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो हम टनल से होते हुए जा रहे हैं, क्योंकि बाजार में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। क्यों, धक्के खाते हुए जाना किसी के साथ, है ना? तो अपने मजे से टनल से होते हुए निकलते हैं, मैं क्या है ना। तो अभी हम पहुंच चुका है ओल्ड बस स्टैंड, और नेगी जी के पीछे पीछे चले हम, एक चीज़ लेने आए हैं हम अभी यहाँ पर। तो हम चले हैं अभी नेगी जी के पीछे पीछे, और ये है सर्कुलर रोड, नहीं ये है गंज बाजार। गंज बाजार में अभी हम सोलन में, और देखिए यहाँ पर भीड़ देखिए भाई साहब, कितनी भीड़ है यहाँ पर अभी। और ये चले हैं हम दोनों फिलहाल भागते भागते, और ऑफिस से आके तो मतलब भूत तो तैयार बना हुआ, बाड़ों का भी थे अपना भी। क्यों नहीं जी, है ना? तो पहुँचते अभी नहीं, कितने दूर है और शॉप अभी? लगभग 20 कदम। 20 कदम, और वो उसी के पास तो नजर है अब कहीं, जो वो है बैग वाला है जो भाई साहब। अच्छा ये पहुँच गए हम शॉप में, भी पहुँच चुके हैं हम शॉप में, और कर दिया वो वाला पर ये पतले वाला छोटे वाला। फ्रेंड्स हम आ गए हैं परचेजिंग करके, और ये लिए हमने तलाई, एक बाहर बैठने के लिए नहीं थी तलाई। तो नेगी जी हमारे बहुत ही अच्छी बार्गेनिंग करते हैं। कहाँ 400 रुपये बोल रहा था बंदा, और कहाँ कितना लिया नेगी जी? 350। 400 बोला उसने, वो भी कट कटा के। 450 आ रहा था पहले रेट, फिर उसके बाद 375 रुपये आया बंदा, फिर उसके बाद नेगी जी ने कितना लिया है? 350 रुपये। ओ यार मतलब ना, नेगी जी बड़े खतरनाक बंदे यार, है नेगी जी? और इस मामले में तो बिल्कुल, इस मामले में तो बार्गेनिंग के लिए तो मतलब खतरनाक है नेगी जी। काम घूमने तुम्हारे एक ही काम आता है, ये भी बढ़िया है नेगी जी, बार्गेनिंग करनी बस, ये बढ़िया है। अपने सीधा बोलिए, जितने का सामान जितने की मैं कम करूंगा पैसे, उसका 20% मेरे को। बिजनेस क्लास तैयार नेगी जी, वैसे बढ़िया होगा। जब भी ऑफिस में भी कोई बंदा आता है ना, हम नेगी जी को करते हैं सबसे आगे कि हाँ भाई नेगी जी करो, जरा बार्गेनिंग करो, रेट लगाओ बढ़िया से। तो नेगी जी हमारे हुक्म कह के हम आसमान के भाव जमीन पे लेके आते हैं। सही बात है। तो जल्दी से जल्दी पहुँच जाओ, ट्रेन की आवाज़ भी आ रही थी। ओहो ट्रेन मिस कर दिया हमने नेगी जी, पर मेरे को मिल जाएगी परे ट्रेन, है ना? पहुँचते हैं जल्दी अभी ट्रेन के पास। का तो आ गया है कमरा, तो ठीक है नेगी जी, थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं अब परसों, ठीक है नेगी जी, बाय। तो पहुँचते हैं हम अभी, ट्रेन भी गई है अभी यहाँ पे आके, तो पहुँचते हैं हम जल्दी जल्दी। और ये देखिए हमारे पास ही तो वैसे है, हल्का है, देखने को आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, बट ये हल्का है, ऐसे मैं एक छोटी सी उंगली पे भी उठा सकता हूँ इसको भी फिलहाल तो। तो मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले ही हमारी ट्रेन छूट चुकी है यहाँ से, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ज़रूर यहाँ पर ट्रेन ज़रूर देखेंगे। वैसे मैं बहुत पीछे था टनल से पीछे, तब उसी टाइम ट्रेन यहाँ से निकल गई थी, तो बैड लक। फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ अभी ऑफिस, और गाड़ी में आके तसल्ली जैसी हुई यार, बहुत ठंड है यार बाहर, मतलब ना ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और मास्क नहीं था मेरे पास, कैप भी नहीं थी, तो कान भी ठंडे हो गए और नाक भी ठंडा हो चुका है। तो जल्दी जल्दी पहुँचते हैं रूम, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, शब्बा खैर, टेक केयर, गुड नाइट।